दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद की पुस्तक वी एंड द वर्ल्ड अराउंड का विमोचन किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी आचार्य शामिल हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद ने अपने पुस्तक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को बाहर से समझना मुश्किल है, लेकिन इसका हिस्सा बनने के बाद इसे समझना आसान है। संघ को समझने के लिए भारत विशेषकर भारतीय विचारों को समझना जरूरी है। तो वही नेटवर्क 10 के संवाददाता मनोज प्रजापति ने वाणी प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अरुण माहेश्वरी से खास बातचीत की है। सुन, भारत क्योंकि उसके विचार का आधार आध्यात्मिक रहा है, इसलिए सारे सृष्टि को परस्पर जुड़ा मानता है। तो विश्व को कुटुंब के नाते मानने की भारत की परंपरा रही है, ट्रेडिशन है, ऐसा भारत जीता रहा है। इसलिए दुनिया भर में भारत के लोग गए व्यापार करने के लिए, परंतु हमने वहाँ पर कॉलोनी स्थापन नहीं की, कन्वर्ट नहीं किया, वहाँ के संसाधनों को लूटा नहीं, गुलाम बनाकर उनका व्यापार नहीं किया। हम लोगों ने वहाँ पर वेल्थ क्रिएट की, उनको कल्चर सिखाया, कपड़ा पहनना सिखाया। उसी तरह दुनिया भर से प्रताड़ित होकर जो पारसी सीरियस क्रिश्चियन भारत में आए, उनका स्वागत स्वीकार हुआ, अपने अपने रिलीजन का पालन करने का स्वातंत्र मिला, अपने पूजा स्थल खड़ा करने का स्वातंत्र मिला, लोगों ने सहायता की है। यह जो भारत का व्यक्तित्व है, यह भारत की आध्यात्मिकता के कारण ही है। इस भारत की पहचान को दुनिया के सामने आजकल के घटनाओं के संदर्भ में रखना और नित्य जीवन में होने वाली घटनाओं को परिभाषित करते हुए भारत का सही परिचय देना, इसको लेकर मैंने समय समय पर अनेक लेख लिखे। इन लेखों का संग्रह पुस्तक में है। आज जो पुस्तक विमोचन हुआ, कैसे देखते हैं? ये एक हमारे समय का दस्तावेज है। हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को समझने का दस्तावेज है। और ये पुस्तक मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ कि भारतीय स्वयंसेवक संघ का एक नया रूप पेश करेगी। आप उनकी जो एक परंपरागत, उनका जहाँ जो परंपरागत उनका अध्ययन है, और फिर जो युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो उनका अध्ययन है, ये वो किताब है। तो इस किताब का आज आना अपने आप में, ये काफ़ी समय से विलंबित था जो अब पुस्तक आई है, और इसका सभी युवा लोग इसका स्वागत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, जिस प्रकार लोकार्पण हुआ है, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं मौजूद थी, उनका क्या कहना है इस पुस्तक के बारे में, बताएंगे? सभी ने अपने अपने तरह से विचार प्रकट किए हैं। किसी ने वेद से, अध्यात्म से, और जोशी जी ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें किस प्रकार से उस खतरे से बचना चाहिए, या हमारे उस, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जरूर, लेकिन उसको बचाने के लिए सिर्फ हमारे वेद और वेदांत ही उसका एक सही रास्ता है, जो हमें इस तरह की नई तकनीक से अपने, क्योंकि ये देश, हमारा देश जो है, ये विचारों का देश है, ये अध्यात्म का देश है, पूरी दुनिया में इस तरह का देश नहीं है। जरूर किताबें संदेश दें, वही प्रकाशित होती हैं, और जिनका उद्देश्य देश के लिए, इसका फलक विशाल हो, ऐसी किताबें जो पढ़कर लोगों का हृदय और मस्तिष्क विशाल हो सके, ऐसी ही किताबों पर हम काम करते हैं। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार वाणी प्रकाशन ग्रुप ने ये पुस्तक आज लॉन्च की है, उन्होंने इस पर बताया है अरुण महावीर जी ने, किस प्रकार प्रकाशन पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि उस पुस्तक से एक विशेष संदेश जन समुदाय तक पहुंचे। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन विजय चौधरी के साथ।